अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त ज़ुबैर मलिक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैस कैश के क्लोन्स कैसे बना सकते हैं और ज़्यादा ऐप किस तरह बना सकते हैं और उन्हें किस तरह लॉगिन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं वही तरीका बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स, पहले था कि जैस कैश का था कि हम मतलब कि एक महीने में जैस कैश के दो अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है। अब हम एक ही अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो एरर, अगर उससे ज़्यादा करें तो एरर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर ये जब हुआ तो अपडेट जब आई तब ये इस तरह हुआ। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम करने लग गए कि हम उसके क्लोनर यूज़ करने लग गए, तो उससे नहीं बना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा क्लोनर बताऊंगा जिसके ज़रिए हम जैस कैश के अकाउंट्स अपने मोबाइल पर लॉगिन कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं अकाउंट लॉगिन अपने मोबाइल पर। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो काम आपने करना है, आपने ऐप क्लोनर डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स, जब आप ऐप क्लोनर यूज़ करेंगे तो आपका जो मोबाइल डेटा है वो ऑफ़ होना चाहिए, तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखें, अगर हम ऐप क्लोनर डाउनलोड करते हैं तो फ्रेंड्स उसके बाद आपने ये ओपन होता है। तो फ्रेंड्स, आपने इधर आना है, इस फाइल वाली जगह पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, क्लिक करते हैं प्लस के आइकॉन पे करना है, फ्रॉम अ फाइल में जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको एक चाहिए जैस कैश प्रीमियम ऐप। ये सारे लिंक आपको ऐप क्लोनर और जैस कैश प्रीमियम का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपने डाउनलोड कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, डाउनलोड में ये पड़ा है मेरे पास जैस कैश प्रीमियम, इसको इंस्टॉल कर देते हैं हम। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इसकी इंस्टॉलिंग हो चुकी है। अब तो फ्रेंड्स, अब हमने क्लोनर्स बनाने हैं इधर। तो फ्रेंड्स, पहले जो मैंने सेटिंग की थी उसको रीसेट कर देते हैं सारी सेटिंग को। तो फ्रेंड्स, अब हम क्लोनर बनाएंगे आपके सामने। तो फ्रेंड्स, देखें, क्लोन नंबर आ गया फर्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने अगर एक क्लोन बनाना चाहते हैं एक बना लें, दो बनाना चाहते हैं दो। तो फ्रेंड्स, देखिए, अगर बैच क्लोनिंग हमने बनानी है, हम आपको बना के दिखाएंगे। दो चले बना देते हैं, अगर आप 10 बनाना चाहते हैं 10 बना लें, जितने बनाना चाहते हैं यहाँ आप बना सकते हैं, देख लें। तो फ्रेंड्स, देखिए, 10,000 तक यहाँ बन सकते हैं, ये ले उससे ऊपर 10,000 1,000 क्लोनर हम बना सकते हैं अपनी स्टोरेज के मुताबिक। तो फ्रेंड, दो क्लोनर मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, बना के आपने क्लोनर के जो नेम है वो भी आप कर सकते हैं। नेम हम कर देते हैं, इसका आइकॉन कोई आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो फ्रेंड, ओके करते हैं तो उसके बाद फ्रेंड आपने आना है प्राइवेसी ऑप्शन पर। तो फ्रेंड, प्राइवेसी ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो आपने थोड़ा नीचे जाना है। तो फ्रेंड, देखें, थोड़ा आप नीचे आते हैं तो यहाँ आ गया है चेंज एंड्रॉयड आईडी। तो फ्रेंड, चेंज एंड्रॉयड आईडी पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके फ्रेंड आपने रैंडम पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड, फिर ओके करते हैं हम। तो फ्रेंड, उसके बाद आता है चेंज EIMEI। तो फ्रेंड, इसको हमने चेंज करना है, ओके करेंगे। तो फ्रेंड, उसके बाद ये देखें ऑप्शन है नो चेंज हाइड रैंडम। तो फ्रेंड, कस्टम भी है लेकिन आपने रैंडम पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो फ्रेंड, उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास आता है वो आता है हाइड सिम एंड ऑपरेटर इन्फो। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और आगे आता है चेंज वाईफाई मैक एड्रेस। तो फ्रेंड, इस पर क्लिक करना है, रैंडम कर देना है और ओके कर देना है। तो फ्रेंड, उसके बाद ऑप्शन आता है चेंज ब्लूटूथ मैक एड्रेस। तो फ्रेंड, इस पर भी आपने इसे ओपन करना है, रैंडम करना है और ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसी मैं सेटिंग कर रहा हूँ आपने बिल्कुल एग्जैक्ट इसी की तरह सेटिंग करनी है, वरना आपके क्लोनर नहीं बनेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम बैक होते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक होते हैं तो उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन है स्टोरेज ऑप्शन आता है। तो फ्रेंड्स, स्टोरेज ऑप्शन आता है तो फर्स्ट में इधर आ रहा है इंस्टॉल टू SD कार्ड, डिसेबल फोटो एंड मीडिया सेस, रीडायरेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, आपने तीसरे पर क्लिक करना है रीडायरेक्ट एक्सटर्नल स्टोरेज और अनेबल्ड करके ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, ओके करते हैं तो ये ऑन हो चुका है। तो बैक करते हैं। तो फ्रेंड्स, बैक करके आपने एंड पे आ जाना है क्लोनिंग ऑप्शन पर। सो फ्रेंड्स, क्लोनिंग ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पे फ्रेंड्स आपको मिलता है क्लोनिंग मोड। तो फ्रेंड्स, क्लोनिंग मोड आपने नीचे आ जाना है मैनिफेस्ट नोट रिकमेंडेड पर क्लिक करके इसे ओपन कर देना है। तो फ्रेंड्स, ओपन करते हैं तो ये हमारी जो सेटिंग है मुकम्मल इस टाइम हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस पर लोगों ने तो 14-14 मिनट की 20-20 मिनट्स की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं आज थोड़ी वीडियोस में आपको ये सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, करके उसके बाद फ्रेंड्स आपने आपको इधर दिख रहा है निशान ये वाला, तो फ्रेंड्स इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर मेन जो बात एक और आती है कि अगर आपके क्लोन्स ना बने तो फ्रेंड्स आपने वापस सेटिंग में जाना है और वहाँ जाके सारी सेटिंग को रिस्टोर कर देना है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपके क्लोन बनने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम करते हैं ओके, तो देखते हैं हमारे क्लोन बनते हैं कि नहीं। अगर नहीं बनेंगे तो हम भी वैसे करते हैं।
तो फ्रेंड्स और भी है इसमें बात, तो फ्रेंड्स आपने डेटा ऑफ रखना है। तो फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं इस पर, तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन आ गया, पढ़ सकें तो पढ़ लें, नहीं तो फ्रेंड्स इसको हम बैक भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपका डेटा ऑफ हो, तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मेरा डेटा भी इस टाइम मोबाइल का ऑफ है। तो फ्रेंड्स इस तरह सारी सेटिंग हमारी होगी। तो फ्रेंड्स डेटा अब हमारा ऑफ है, तो फ्रेंड्स अब हम क्लोन बनाते हैं तो क्लोन बनने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओके करते हैं हम, तो देखते हैं कि हमारे क्लोन बनते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारे क्लोनिंग जो है क्लोन बनना शुरू हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये क्लोन बनते हैं तो फिर हम आगे देखेंगे सारा इसका सेटिंग। तो फ्रेंड्स ये 42 तक पहुंच गए हैं, 53 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारे का ऐप क्लोन्ड आ गया, और अब हम इन जो है ऐप इनको हम अब इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स इंस्टॉल करते हैं इन सबको, तो ये बारी बारी इंस्टॉल होंगे दोनों। तो फ्रेंड्स आप ये देखें, ये ऑप्शन आ चुका है हमारे पास कम टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स हम इंस्टॉल करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ये इंस्टॉल होते हैं तो हम आगे देखते हैं इन्हें। तो फ्रेंड्स देखें ये इंस्टॉल होके हमारे आगे आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे इस टाइम क्लोन बन चुके हैं, और हम इससे ज़्यादा भी बना सकते थे। तो फ्रेंड्स हम डेटा ओपन करते हैं अब। तो फ्रेंड्स अब हम चलाते हैं इसे, यूज़ करके देखते हैं कि ये हमारा क्लोन बन गया है कि नहीं, या इस पर हम अब नया अकाउंट अपना लॉगिन करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये ओपन होता है तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखें अब आ चुका है। तो फ्रेंड्स इधर मैं अपना नंबर देता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं अपना नंबर और पासवर्ड वगैरह देता हूँ, तो उसके बाद हमारा ये जैस कैश अकाउंट इधर ओपन हो जाएगा और लॉगिन हो जाएंगे हम इस जगह पे। तो फ्रेंड्स ये देखें, वो आप देखें पहले थी जो पहले तरीका था उसमें जो OTP थी वो हमें वो ऐप OTP का डाउनलोड करना पड़ता था उसमें आती थी, अब ये डायरेक्ट आ चुकी है और ये लग भी चुकी है और हमारा अकाउंट इधर लॉगिन अभी हो जाएगा। तो OTP फ्रेंड देख सकते हैं आप डायरेक्ट लगी है आके यहाँ। तो फ्रेंड अब हम अपना देते हैं। तो फ्रेंड ये देखें, ये देख सकते हैं फ्रेंड हमारा अकाउंट ओपन हो चुका है इस टाइम। तो हमारे पास 30 रुपये हैं। तो फ्रेंड्स ये अकाउंट हमारा जो पुराना था वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरह हम दूसरे को भी ओपन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह होता है, इसमें सारे अकाउंट हम अपने ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें सेटिंग्स सारी आ चुकी हैं हमारे पास, हमारे अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखें ये सेटिंग हम कर सकते हैं और अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना है आगे अपने दोस्तों तक, सब तक। तो फ्रेंड्स इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ मिलूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ।